हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, ग्रेविटेशन इसलिए क्योंकि सबको मालूम है कि ग्रेविटेशन क्या होता है ना, लेकिन अभी उसके अंदर हम जाएंगे। ग्रेविटेशन होता क्या है, ये किस तरह का फोर्स है, और उसके बाद में केपलर जो है साइंटिस्ट है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट था केपलर, उन्होंने जो तीन लॉ बताए जो हमें, जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है उस पर क्वेश्चन, और जब हम सीईटी या जेईई या नीट की एग्जाम देते हैं उसमें भी केपलर लॉ पे एग्जांपल्स आ सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन और केपलर के लॉ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है, देखो ये तो सबको पता है ना कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का इन्वेंशन किया था, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स जो है सबसे पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था और दुनिया को बताया था। उसमें क्या था, हमारे पास एग्जांपल है कि एप्पल है ना, पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल नीचे गिरा। ठीक है, तो वो क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसा वैसा। तो हमको पता है कि अर्थ ने क्या किया, एप्पल को अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले ग्रेविटेशन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से जब हमको एग्जाम में पूछेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, है ना, उस तरीके से। तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन is a force of attraction between any two bodies, between any two bodies by virtue of their masses। virtue word अगर नहीं है तो due to भी लगा सकते हैं, है ना, तो उसके बाद में definition change हो जाएगी। पहले इसको समझ लेते हैं क्या कि gravitation क्या है। gravitation एक force है, और वो फोर्स हमेशा कौन सा वाला होगा, वो हमेशा अट्रैक्शन वाला होगा। देखो जो फोर्स है ना, अट्रैक्शन या रिपल्शन हम फिक्स नहीं बता सकते, उसको सिर्फ हम बोलते हैं फोर्स। बाद में उसका नेचर देखते हैं हम कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। फॉर एग्जांपल चार्जेस का पढ़ाओ, क्लास 11 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसमें ऑलरेडी हमने पढ़ा है क्या कि जो लाइट चार्जेस है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्शन वाला फोर्स। माइनस माइनस जो होगा, निगेटिव वो भी क्या करेगा, रिपेल करेंगे, यह है रिपल्शन वाला। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस, उसके बाद में ये माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स। कौन सा वाला फोर्स, अट्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ते हैं है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, तो वहां पे दो तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, एक अट्रैक्शन दूसरा रिपल्शन। सिमिलर मैग्नेट वाला है ना, मैग्नेट को हमने ऑब्जर्व भी किया है, जब दो मैग्नेट को हम करीब लाते हैं तो कभी कभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कभी कभी एक मैग्नेट दूसरे से दूर दूर जाता है, है ना। तो मैग्नेटिज्म में भी दो तरह के फोर्स, मतलब दो नेचर वाले फोर्स आ सकते हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। इलेक्ट्रिकल में भी वैसे, लेकिन ग्रेविटेशन में वैसा नहीं होता। ग्रेविटेशन वाला फोर्स हमेशा कौन सा होगा, हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। अगर कोई बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्शन भी होता है तो बिल्कुल गलत है, वो सरासर गलत है, उसको मानना नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कौन सा होता है, अट्रैक्शन वाला ही होता है, ग्रेविटेशन में रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन कैसे बनेगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडी है ना, लेकिन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स आने के लिए या फोर्स एग्जिस्ट करने के लिए उन दोनों के बॉडी के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, मास। दो बॉडी के पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। और जितनी भी बॉडीज इस यूनिवर्स में है, है ना, सबके पास मास है, चाहे वो छोटा सा एटम क्यों ना हो, एटम को भी मास होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का भी मास होता है ना। तो जितनी भी बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उन सभी के पास मास है, और जिन बॉडीज के पास मास है उन दो बॉडीज के बीच में क्या हो सकता है, उन दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स हो सकता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशन वाला फोर्स। ग्रेविटेशन वाला फोर्स जो है, आज मैं यहाँ पे ठीक है, और कोई लंदन में बैठा है आदमी, तो हम दोनों के बीच में भी क्या है, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है। खाली हमको ये जो फोर्स है ना वो बहुत वीक फोर्स होता है। पहला तो समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेशन, ग्रेविटेशन में अगर शॉर्ट नोट भी आई तो भी आपको लिख के आना चाहिए। तो ड्यू टू जब वर्ड यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस, बाय वर्चू आपको हटा देंगे और सिर्फ कौन सा वर्ड डाल देना, ड्यू टू वर्ड डाल देना तो भी चलेगा। दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स, और वो अट्रैक्शन वाला फोर्स क्यों है, क्योंकि वो दोनों बॉडी के पास मास है।
तो वो वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। रेंज इज इनफाइनाइट, रेंज इज इनफाइनाइट। अर्थ मून दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है ना, फिर भी उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं इधर बैठा हुआ है, यूक्रेन में कोई बंदा बैठा हुआ है, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन वाला फोर्स, ठीक है। तो रेंज मतलब डिस्टेंस। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है ना, एक चार्ज से अगर दूसरा चार्ज बहुत दूर है, ठीक है, तो एक चार्ज क्या करता है अपने आजू बाजू प्रोड्यूस, फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जब दूसरा चार्ज इसके अंदर आएगा तभी इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, मतलब कुछ तो रेंज लिमिटेड है। वैसे ही मैग्नेट का भी है, एक मैग्नेट इधर है, दूसरा मैग्नेट बहुत दूर है, इस मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक वाला फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक वाला फोर्स, मैग्नेटिक वाला फोर्स तभी लगेगा जब ये दूसरा मैग्नेट इस पहले मैग्नेट ने प्रोड्यूस करी हुई फील्ड के अंदर आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स है, जो मैग्नेटिक वाला फोर्स है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम कम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, तभी वो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स लगेगा या मैग्नेटिक वाला फोर्स लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशन में वैसा नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। दो बॉडी के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो, उन दोनों बॉडी के पास अगर मास है तो उन दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स यानी ग्रेविटेशन वाला फोर्स होगा ही होगा, ठीक है, इसलिए वो है लॉन्ग रेंज फोर्स। वीकेस्ट फोर्स इसलिए हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। मैं इधर बैठा हूँ, वापस वही दूर कोई बंदा बैठा है, उसको मेरी वजह से अट्रैक्शन वाला फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना ही मुझे उसकी वजह से अभी अट्रैक्शन वाला फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं फील हो रहा है, क्योंकि वो वीकेस्ट है। अगर स्ट्रांगेस्ट होता ना तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते और हमको फील भी होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, इसलिए वो होता है लेकिन हमको फील नहीं हो रहा, मुझे भी फील नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा क्या बताएंगे इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। अगर क्लास 11 का आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो हम ऐसा बोलते थे कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में जो मीडियम है, मीडियम के हम टर्म्स डिफाइन करते थे, क्या, परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी जिसको हम डिनोट करते थे एप्सिलॉन से, और अगर ये मीडियम फ्री स्पेस है, एयर है, तो हम एप्सिलॉन जीरो, तो ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जीरो, उसके बाद में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता था K बोल के, तो ये मीडियम की प्रॉपर्टीज होती है। और इस मीडियम पे जो है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स हो, अट्रैक्शन वाला हो या रिपल्शन वाला फोर्स हो, वो किस पे डिपेंड करता था, मीडियम पे डिपेंड करता था। मान लो पहला मीडियम है और सेम दो चार्जेस है, सेम डिस्टेंस है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो सेम अरेंजमेंट रखे, खाली मैंने मीडियम चेंज कर देगा तो 10 न्यूटन का फोर्स चेंज हो गया 8 न्यूटन या 12 न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो फोर्सेस मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। पहला आदमी है जिसके पास मास है, दूसरा आदमी है उसके पास भी मास है, दोनों के बीच में मीडियम है वाटर, फोर्स कैलकुलेट करा, आया 10 न्यूटन। मान लो वाटर को हटा दो, मैंने डाल दिया एयर, फिर भी 10 ही रहेगा, हटा दो वैक्यूम, फिर भी 10 ही रहेगा, कोई भी मीडियम आप चेंज करो, ठीक है, फोर्स चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, द ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। तो अगर शॉर्ट नोट आती है तो ये चार पॉइंट लिख दो, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे केपलर के लॉस, अभी केपलर के लॉ किस पे बेसिस है ना, जो केपलर अंकल है वो एक्चुअली क्या थे, एक साइंटिस्ट, उनके गुरु थे, उनका नाम है टाइको ब्राहे, ये सही बंदे थे, ठीक है। इन्होंने सारा स्टडी करा, सारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, गैलीलियो के बाद में आए थे ये, इन्होंने रात दिन वो क्या करते थे, प्लैनेट्स की तरफ देखते थे, है ना, दूरबीन के साथ दूरबीन यूज करते थे और रात दिन वो प्लैनेट्स को देखते रहते थे। वो सारा ऑब्जर्वेशन जो था उनका, उन्होंने नोट्स बनाए, ठीक है, और वो नोट्स बनाने में हमारे केपलर अंकल उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये चल दी है, टाइको ब्राहे जो थे वो, उनकी मौत हो गई, है ना, ऐसा बोल सकते। तो तब तक इसने क्या करा, जितने भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखा था, नोट्स वगैरह सारे, वो सारे पढ़े और उनके लॉ निकाले,
ठीक है, उनसे उसने कितने लॉ बनाए, उन्होंने 3 लॉ बनाए, और उन 3 लॉ को क्या बोलते हैं, केप्लर्स लॉ। एक्चुअली अगर ये थोड़े दिन और रहते तो इस ये जो हम पढ़ रहे केप्लर्स लॉ वो अलग तरीके से पढ़ते हम, टाइको ब्राहेज लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन वगैरह पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन इनकी जल्दी मौत हो गई, उनके सारे नोट्स को इन्होंने ले लिया, और उन्होंने जो रेडीमेड मटेरियल इनके पास अवेलेबल था, एक्चुअली असिस्ट करते थे ये, इनके पास जो मटेरियल था उन्होंने 3 लॉ बना दिए, और ये भाई साहब फेमस हो गए, ये फेमस होने से पहले चले गए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं केप्लर्स लॉ, ठीक है, हम तक क्या आया केप्लर के लॉ, तो केप्लर के लॉ पढ़ते हैं। 3 लॉ बताया है, ये जो केप्लर के लॉज है, केप्लर ने तो क्या ऑब्जर्वेशन और नोट्स के हिसाब से बनाए थे। कुछ लॉ ऐसे है जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से है, जो पहला लॉ है केप्लर का वो खाली ऑब्जर्वेशन थे, उन्होंने प्लैनेट सिस्टम को देखा और उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, पहला लॉ जो है ऑब्जर्वेशन वाला लॉ है। दूसरा लॉ जो है वो लॉ केप्लर ने बताया और उसको हमने, ठीक है, मतलब केप्लर के बाद जितने भी साइंटिस्ट लोग आए उन्होंने उनको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। वापस जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ फिर से हमारा ऑब्जर्वेशन वाला लॉ है, ठीक है। तो 2 लॉज जो है वो ऑब्जर्वेशन वाला लॉ है, और एक जो है उसको हमने बाद में प्रूव कर दिया था। तो चलिए पहला दूसरा और तीसरा लॉ तीनों पढ़ते हैं। तो चलिए केप्लर का फर्स्ट लॉ एकदम सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला लॉ क्या बोलता है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन सी है, इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब जिस पाथ पे वो जाते हैं, जिस पाथ से वो ट्रैवल करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई बोलते हैं, ये फोसा या फोकाई जो भी है वो फोकस का प्लूरल फॉर्म, इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, मतलब 2 फोसा होते हैं, एट वन ऑफ द फोसा ऑफ इलिप्स बताते हैं। इलिप्स का शेप पता है आपको, इलिप्स का शेप ऐसा होता है ना। तो देखो क्या क्या, अभी इलिप्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, ये है आपका इलिप्स, ठीक है, डन, ये इलिप्स है, ये उसका सेंटर हम निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से सीधा सीधा अंदर आओ, यहाँ से सीधा अंदर आओ, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को मिलेंगे वो है सेंटर पॉइंट। लेकिन इलिप्स में जो है ना वो सेंटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इलिप्स में इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस इधर जाएंगे, सेम डिस्टेंस इधर आएंगे, ये वाला। तो ये जो है S1 और ये जो पॉइंट है S2, इन दोनों को हम बोलते हैं फोकस, एक फोकस है S1 और ये दूसरा फोकस है S2, ठीक है। तो इसके हिसाब से सन यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है, ठीक है, ज्यादातर हम सन को कहाँ पे पकड़ के चलते हैं, यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, ठीक है, इन दोनों में से वन ऑफ द फोसा है, मतलब दोनों में से एक, ये जो 2 फोकाई है उन दोनों में से एक फोकाई पे कौन है, हमारा सन बैठा हुआ होता है, ठीक है। एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये प्लैनेट है हमारा पी नाम का, ये प्लैनेट इस सन के अराउंड में सर्क्यूलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, कौन सी ऑर्बिट है ये, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इलिप्स वाला शेप है, ठीक है। तो S1 एंड S2 क्या हो गए, ये हमारे फोकाई हो गए, इसको नाम देते, चलो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे A नाम दे देते हैं, यहाँ पे P नाम दे देते हैं, यहाँ पे M, ठीक है, ये S, ये सन यहाँ पे है, ठीक है, सन यहाँ पे, इसको इसलिए नाम नहीं देते। जो नियरेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, सन से A पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, A, ये जो नियरेस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं पेरिहेलियम, या कभी कभी इसको बोलते हैं पेरिजी, कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, पेरिजी, पेरिहेलियम बोलो या पेरिजी बोलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता रहा हूं, ये जो सन है और ये प्लैनेट इसके अराउंड घूम रहा है, देखो अगर सर्कल होता, ये सन है, अगर सर्कल होता तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि प्लैनेट यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, ये सन से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे इलिप्स में वैसा नहीं होता है, इलिप्स में क्या, देखो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, ये सन से ये प्लैनेट सबसे दूर है, धीरे 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 डिस्टेंस कम हो रहा, यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम, सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, फिर से क्या होगा, वापस दूर 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 जाएगा सन से, वापस ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है।
सर्कल रहता तो वैसा नहीं होता, लेकिन सर्कल नहीं है। तो जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है या शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिहेलियन पॉइंट या पेरिहेलियन। उसी तरह से लॉन्गेस्ट या फार्देस्ट, फार्देस्ट मतलब सबसे दूर कौन सा है, पी है, इसको अपन बोलेंगे एपहेलियन। क्या बोलते हैं इसको, एपहेलियन, और इसको दूसरा नाम है एपोजी। ये पेरिजी और एपोजी आपको जब सैटेलाइट पढ़ाएंगे, सैटेलाइट में भी आएगा इनका, ठीक है। तो अभी से पता कर लो, सन से जो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट को बोलेंगे पेरिहेलियन या पेरिजी, और जो सबसे दूर का पॉइंट है उसको बोलेंगे एपहेलियन या एपोजी, ठीक है। और एपी जो है उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्यों, क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वो क्या है, बड़ा है, देखो लंबा चौड़ा है, मतलब लंबा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे मेजर। यहाँ पे मैं नाम देते तो ओ, ठीक है। इसके दो टुकड़े, अभी एपी को फोड़ेंगे अपन, एओ, एओ उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। कौन सा, सेमी, पूरा था आधा कर दिया, आधा मतलब सेमी, सेमी मतलब आधा। उसी तरह से ओपी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे सेमी मेजर एक्सिस। उसी तरह से एमएन, एमएन को क्या बोलेंगे, छोटा एक्सिस है वो, सेंटर में से पास हो रहा है ना, जो दो लाइन सेंटर में से पास हो रही है उनको एक्सिस बोलते हैं। पहला एक्सिस है मेजर एक्सिस क्योंकि वो लंबा है, दूसरा एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस है क्योंकि वो छोटा दिख रहा है। इसी तरह से एमओ और ओएन, ये दोनों क्या हो गए, सेमी माइनर एक्सिस। कौन से, सेमी माइनर एक्सिस। तो इस तरह से हम इलिप्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट कौन सा लॉ है, ये ऑब्जर्वेशन वाला लॉ है, खाली ऑब्जर्व किया दूरबीन से और बता दिया कि सन एक फोकस पे होगा और उसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते रहेंगे, प्लैनेट्स जो घूमेंगे उनका जो ऑर्बिट है उसका शेप सर्कुलर नहीं होगा, वो कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा, ठीक है। तो इलिप्टिकल होने की वजह से ये सारे नियरेस्ट, फार्देस्ट और मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस ऐसी टर्म्स आ गए। उम्मीद करता हूं फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन वाला है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखते हैं सेकंड लॉ और उसका प्रूफ भी देंगे। सेकंड लॉ बहुत जरूरी है ना, और इसका प्रूफ भी बहुत जरूरी है, पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ जो है वो बोलता है वेलोसिटी के बारे में, इसको नाम है लॉ ऑफ एरिया। क्या है बता, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अपना प्लैनेट है। अभी ये प्लैनेट क्या कर रहा है, प्लैनेट इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। मान लो ये सन से इस प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और उस लाइन का मान लो डिस्टेंस अभी के लिए कितना है, आर है, ठीक है। या फिर ये प्लैनेट की पोजीशन है पी, ये सन जो है वो उसकी जगह पे फिक्स है, सन उसकी जगह पे फिक्स है, प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है। तो इस सन से, इस ओरिजिन से, इसको फिर मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिन, जो उसकी जगह चेंज नहीं करता है वो ओरिजिन बोल देते हैं। और इस प्लैनेट पी की जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करने के लिए हमने आर बार, आर बार मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लाइन, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स मीन्स एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब समझाता हूँ। नॉर्मल वेलोसिटी पता है आपको, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मतलब क्या, कुछ 5 सेकंड में 10 मीटर गया तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर। अगले 5 सेकंड में फिर से कितना गया, फिर से 10 मीटर। यहाँ पे वेलोसिटी निकालो 2 मीटर, मतलब इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। और वेलोसिटी की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस वाली वेलोसिटी नहीं, कौन सी, एरियल वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे वो, यहाँ पे इक्वल एरियाज कवर होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल। पहले क्या था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, यहाँ पे क्या है, इक्वल एरियाज, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। अभी कैसे, मान लो 10 सेकंड दिए, इस पोजीशन पे था पहले, 10 सेकंड बाद वो यहां पे आ गया, ठीक है, ये वाली लाइन ज्वाइन कर दी।
तो इतना एरिया कैलकुलेट करा, कितना एरिया पी वन, पी से लेके कहा तक गया हो पी वन तक, तो ये एरिया कैलकुलेट करा अपन ये वाला एरिया, ठीक है। मान लो वो कुछ आया, वो मान लो 5 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं जस्ट, ठीक है, इतना कम तो बिल्कुल नहीं। और मान लो अगला 10 सेकंड हमने देखा, ठीक है, अगले 10 सेकंड में हमको पी वन से लेके वो आ गया इधर पी टू तक, वापस हमने क्या करा अभी इतना एरिया मेजर करा, इतना एरिया भी कितना आया फिर से 5 मीटर का, बाद में इसको घूमने दिया बाकी के और 5 देखे हमने, कितना सॉरी 10 सेकंड देखा हमने, यहां से यहां तक आ गया 10 सेकंड, ठीक है, ऐसा वापस ये एरिया मैंने कैलकुलेट करा और ये वाला एरिया मैंने कैलकुलेट करा तो मुझे फिर से कितना मिला 5 मीटर स्क्वायर। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, यहां से ये वाला ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल कितना 10 सेकंड, इक्वल टाइम इंटरवल कितने का टाइम इंटरवल लिया अपन ने, 10 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया, ये पहले 10 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ये दूसरे 10 सेकंड का टाइम इंटरवल है और ये बाद में कभी तो अलग साइड में 10 सेकंड का टाइम इंटरवल। पहले 10 सेकंड के लिए जो जितना एरिया कवर हुआ उतना एरिया कैलकुलेट करा, दूसरे 10 सेकंड में जितना एरिया कवर हुआ उतना एरिया कैलकुलेट करा, ये इतना वाला, ठीक है, और बाकी थोड़ी देर बाद वापस से 10 सेकंड हमने देखा जितना एरिया कैलकुलेट हुआ वो कैलकुलेट करा, हर बार एरिया कितना आएगा बोल रहे सेम आएगा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया कवर हो रहा है। स्वीप का मतलब है कवर करना, अगर स्वीप नहीं ध्यान में आया तो कवर स्वीप देना, क्या लिख देना कवर स्वीप देना, ठीक है। यहां से पता क्या चलता है अपने को, अगर उसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो जब सन से हमारा प्लैनेट दूर होता है, सन से हमारा प्लैनेट दूर होता है तो वो थोड़ा स्लो चलता है, क्यों स्लो देखो ना, फिर से सन ये दूर, अभी प्लैनेट सन से दूर है तो पहले 10 सेकंड में सिर्फ वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, और फिर ये लाइन ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये इतना डिस्टेंस इतना बड़ा है ना तो ये एरिया भी हमको थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन जब सन के करीब है प्लैनेट, मान लो अभी आ गया सेम प्लैनेट पी पॉइंट पे आ गया और यहां से मैंने वापस 10 सेकंड लिए तो 10 सेकंड में वो क्या करता है यहां से इतना आ जाता है, ठीक है, इतना। और दोनों को ऑब्जर्व करो ठीक से कि ये एरिया ऐसा लंबा है, ठीक है, इसलिए ऐसा छोटा, और ये एरिया ऐसा लंबा है इसलिए ऐसा छोटा। तो यहां पे ऑब्जर्व क्या हो रहा है, व्हेन प्लैनेट इज फार फ्रॉम सन एक पॉइंट एंड व्हेन प्लैनेट इज नियर द सन, इसमें हमको ऑब्जर्वेशन ये बताना है कि प्लैनेट की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वेलोसिटी नहीं बोलते अभी स्पीड बोलते, प्लैनेट का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, कब, जब वो सन से दूर है, सन से जब दूर रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा, इसलिए वो यहां से सिर्फ यहां तक आ पाया, ठीक है, तो उसका स्पीड जो होता है वो स्पीड क्या होता है उसका कम होता है। लेकिन जैसे ही हमको सन के करीब दिखता है सेम 10 सेकंड में वो सिर्फ इतना नहीं आ रहा है, वो कितना आ रहा है इतना आ रहा है, कितना आ रहा है इतना आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कंपेयर करो, 10 सेकंड तो सेम ही है, टाइम तो सेम है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस क्या है कम है, मतलब क्या है इतने पोर्शन के लिए ये प्लैनेट कैसे जा रहा है, फास्ट जा रहा है, स्पीड क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे प्लैनेट का मोशन स्लो होता है, यहाँ पे प्लैनेट का मोशन फास्ट होता है, तो जो स्पीड है प्लैनेट का वो प्लैनेट का स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एरिया तो और ज्यादा ही है लेकिन ये डिस्टेंस क्या है कम है, तो जब प्लैनेट सन से दूर होगा तब उसका स्पीड कम होगा, मतलब प्लैनेट स्लोली मूव करेगा, लेकिन जब प्लैनेट सन के करीब होगा, ये जो प्लैनेट है ये सन के करीब है तब उसका स्पीड ज्यादा होगा, मतलब वो प्लैनेट हमारा फास्टली ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये सारा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसको हमने क्या करा, इसी लॉ को हमने बाद में प्रूव भी कर दिया, लेकिन इस लॉ को प्रूव करने के लिए, इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमको सीधा डायरेक्टली उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, हमको एक कंसेप्ट लगेगा प्रूव करने के लिए जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको जो क्लास इसी क्लास 11 का जो फोर्स वाला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन,
उसमें मिल जाएगा। लेकिन और अच्छे से अगर आपको पढ़ना है ना, तो क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोमेंटम का एक सेपरेट टॉपिक है, एक सेपरेट वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 12 रोटेशनल डायनामिक्स जो कि पहला ही चैप्टर है, उसमें आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ किस लॉ का अपन यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी ठीक है, हमने एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा अभी तक, उसका कंजर्वेशन कैसे पढ़ेंगे, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, वी से। अगर कोई बॉडी है उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी भी है, तो उसका पहले हम निकालते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी बार। वी के ऊपर बार क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। या आपने 10वीं तक पढ़ा है, 10वीं तक आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है। अभी चल एंगुलर मोमेंटम इसको रखते हैं, लेकिन कंजर्वेशन क्यों, अभी हम तो कंजर्व कब होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हर बार रहेगा क्या, नहीं। उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास एम है, वो फिलहाल पी पॉइंट पे है, ये जो P पॉइंट पे जो मास है, जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो ऐसे मूव कर रही है इस तरह से, तो इस पे हमेशा एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ या फिर एक फिक्स पॉइंट की तरफ। ये क्या है, वो क्या है, वो इज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये समझ लो, P क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा, क्या है, जो मूव करेगा। अभी यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे होगा, कुछ देर बाद यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ पे, यहाँ पे। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है जिन दो बॉडीज के पास मास होता है। अब ये प्लैनेट के पास भी मास है और ये हमारा सन है, उसके पास भी मास है ना, तो हमेशा यहाँ पे भी होगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, यहाँ पे भी होगा तो फोर्स होगा, यहाँ पे भी होगा तो फोर्स हमेशा होगा। और फोर्स जो लग रहा है उनको ज्वाइन करो, दोनों के बीच में कौन सा है, अट्रैक्शन वाला फोर्स, दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स, अट्रैक्शन वाला फोर्स, अट्रैक्शन, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। ये प्लैनेट की पोजीशन कोई भी हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, कोई भी हो, जो एक फिक्स पॉइंट है, जो एक फिक्स पॉइंट है और जो प्लैनेट है उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो फोर्स कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है सेंट्रल फोर्स। अभी सेंट्रल फोर्स मतलब सिर्फ सेंटर की तरफ हो ऐसा नहीं, ठीक है, सेंट्रल फोर्स मतलब एक सेंटर की तरफ हो ऐसा नहीं, वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट की तरफ, वो फोर्स जो एक फिक्स लाइन पे, एक लाइन पे अप्लाई हो सके, या क्या बताएंगे, एक फिक्स पॉइंट की तरफ जिसका डायरेक्शन, मतलब क्या, यहाँ पे जब था ये फिक्स पॉइंट है, क्या हुआ, जो लाइन आ रही है पॉइंट से, प्लैनेट से, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, जब दोनों पॉइंट्स के बीच में फोर्स की डायरेक्शन हम बताएंगे, हमेशा वो लाइन किधर आएगी, एक फिक्स पॉइंट की तरफ आएगी, हमेशा वो लाइन कहाँ पे आएंगी, एक फिक्स पॉइंट की तरफ आएंगी। अगर ये सर्कल है तो सेंटर है, अगर इलिप्स है तो वो फोकस है, ठीक है। ये जो बीच वाला पॉइंट है वो कौन सा है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे जब मोशन के दौरान जब फोर्स लगता है और वो फोर्स दो बॉडीज को, जो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स दिखाने के लिए आप जो लाइन ड्रॉ करते हो, वो लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ अगर आती हो, वो लाइन अगर एक फिक्स पॉइंट की तरफ अगर आती हो, तो वो जो फोर्स है उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। और जिस भी बॉडी पे, और जिस भी बॉडी पे हमारा सेंट्रल फोर्स लगता है, उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके पास अभी प्लैनेट जो है, मास जो है, इसके पास दो वेलोसिटीज है, एक होता है लीनियर वेलोसिटी, दूसरा होता है एंगुलर। क्योंकि देखो ये सेपरेट अपने को डिस्टेंस दिख रहा है, इतना जो है उसको सीधा कर दो तो आपको ये लाइन मिल जाएंगी, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और कुछ टाइम लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है वी बार। लेकिन वो ये लीनियर डिस्टेंस के साथ साथ कुछ एंगल भी कवर कर रहा है, ठीक है।
तो वो डिस्टेंस भी कवर करता है जिसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगल भी कवर कर रहा है जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है थीटा से, मतलब एंगल, ठीक है। तो ये इसका यूज करना है। यहां से आपको लेने मतलब समझने का जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा जिस बॉडी पे हमेशा कौन सा फोर्स लगता हो, सेंट्रल फोर्स लगता हो। हमेशा कौन सा फोर्स लगता हो, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ में, ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन कहां से जाती हो, एक फिक्स पॉइंट तक जाती हो। हमारा जो प्लैनेट है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा क्या? तो हमारा जो आंसर होगा कि यस, हमारे प्लैनेट का भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कैसे बताता हूं, अगर हम यहां पे सॉरी अगर हम यहां पे ये प्लैनेट ड्रॉ करेंगे, ये सन, सन इज अ फिक्स्ड पॉइंट, सन इज अ फिक्स्ड पॉइंट। प्लैनेट कभी यहां पे होगा, कभी यहां पे होगा, कभी यहां पे होगा। सन और प्लैनेट के बीच में हमेशा क्या होगा, फोर्स। यहां पे भी आएगा तो भी फोर्स, है यहां पे भी आएगा तो भी। चलो एक छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला फोर्स, ठीक है, ये आर बात पोजिशन वेक्टर। ये देखो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो उसने कवर किया, मतलब हमारे प्लैनेट के पास लीनियर वेलोसिटी भी है, लेकिन ये एंगल कवर किया तो एंगल की वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, सन और बीच में ऐसा फोर्स था एक लाइन से, अभी यहाँ पे गया तो इस तरह का फोर्स होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आएगा तो ऐसा फोर्स होगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसा फोर्स होगा, मतलब हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ हमारा फोर्स की डायरेक्शन होगी, हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फिक्स पॉइंट पे कौन है, हमारा सन। तो वही हो रहा है इस प्लैनेट पे, हमेशा जो सन फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन वाला, जो ग्रेविटेशन वाला, वो फोर्स हमेशा किधर पॉइंट करेगा, वो फोर्स हमेशा हमारा सन की तरफ भी पॉइंट करता ही है। तो सन कौन सा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। इसकी वजह से इस प्लैनेट पे लगने वाला फोर्स हम कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। और इस प्लैनेट पे सेंट्रल फोर्स लग रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। फॉर ऑन द प्लैनेट The force is a central force with sun as a fixed point. Sun as a fixed point, और fixed point को हम बोल सकते हैं origin भी बोलते हैं। Hence, angular momentum is conserved. इसको बार बार देखना पड़ेगा तब एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Angular momentum is conserved. Angular momentum को denote करते हैं L से, किससे डिनोट करते हैं, एल से। और एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकलता है पी बार क्रॉस आर बार। पी बार जो है वो है लीनियर मोमेंटम, पी बार जो है वो है लीनियर मोमेंटम, जो आपने 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। ये आर बार जो है, आर बार क्या होता है, प्लैनेट की पोजीशन एंड ये जो सन है उसके बीच में जो हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं वो पोजीशन वेक्टर होता है आर बार। क्या होता है, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी हमको क्या बोलना है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, ठीक है, अपन कैलकुलेट करेंगे धीरे धीरे। डेल्टा ए मतलब अमाउंट ऑफ एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। एरियल वेलोसिटी क्या होगा, एरियल वेलोसिटी होगा आपका, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अपॉन टाइम। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे एरिया लगा आगे तो एरिया कवर्ड अपॉन टाइम। कितना एरिया कवर हुआ, मान लो डेल्टा ए जितना एरिया कवर हुआ, कितने टाइम में, डेल्टा बी कितने टाइम में। तो हमको क्या करना है, इसको कॉन्स्टेंट बताना है, इसको क्या करना है अपने को, कॉन्स्टेंट बताना है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है और हम कर देंगे आराम से। चलिए देखो ये वाला एरिया है, ये वाला क्या है, एरिया। ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल टाइप से, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं, लेकिन ट्रायंगल कब दिखेगा, मान लो इतना बड़ा एलिप्स है, इतना बड़ा एलिप्स है, ठीक है, अच्छे से इतना बड़ा एलिप्स है हमारे पास, ये सन है और यहां पे छोटा सा टाइम, एकदम छोटा सा टाइम जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी में वो कितना डिस्टेंस जाएगा, सिर्फ इतना डिस्टेंस जाएगा यहां से यहां तक,
और अगर ये लाइन हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये जो छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन हमको कैसे दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो छोटा सा पोर्शन अगर स्ट्रेट लाइन दिखता है तो ये आर बार, देखो ये आर बार, ये पॉइंट पी है, ये छोटा सा पोर्शन इतना और यहां से ऐसा, ये तो ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे से इंटरवल के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसी को पूरे इसमें बाद में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अपन फिर ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आर बार, हाइट कितना है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो हमारे पास है देखो वेलोसिटी, ये डिस्टेंस में जो है ना एस लिख देता हूँ, कितना सॉरी एस नहीं, मैं लिख देता हूँ एक्स, कितना लिखता हूँ एक्स, कितना डिस्टेंस लिखता हूँ। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, छोटा सा टाइम, छोटा सा टाइम मतलब क्या, डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। वेलोसिटी को कैसे डिवाइड करेंगे, वी बार से, ये डेल्टा टी इधर डिवाइड को उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स से, ठीक है। छोटा सा एरिया मतलब डेल्टा है, छोटा सा एरिया मतलब डेल्टा है, हाफ बेस, बेस कौन है, ये हमारा आर बार। हाइट कितना है एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी, वी बार इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिया, ये हो गया। तो आर बार इंटू वी बार डेल्टा टी, अपने को डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट बताना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा ए बार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर बार इंटू वी बार। कोई दिक्कत, क्या हुआ, डेल्टा टी उधर मल्टीप्लाई को था, इधर डिवाइड पाया, अभी वी बार को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखो एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला बोला क्या, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, ये क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम को इसमें डालेंगे अपन कैसे, देखो लीनियर मोमेंटम जो है वो होता है एम वी बार, तो वी बार क्या होगा, पी बार अपॉन एम, ए वी बार इधर मल्टीप्लाई को है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड को, तो वी बार को रिप्लेस कर देते हैं, इक्वल टू हाफ आर बार, और वी बार को रिप्लेस करा पी बार अपॉन एम, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ हाफ इंटू आर बार इंटू पी बार अपॉन एम, इसी को ढंग से लिखेंगे, हाफ इंटू एल बार अपॉन एम, क्यों, आर बार क्रॉस पी बार कितना है, आर बार क्रॉस पी बार एल बार, तो ये एल बार लिख दिया। तो अभी यहां पे देखो डेल्टा ए बार नीचे का दिख रहा है आपको, डेल्टा टी, ओके देखना ये हाफ नंबर है, कांस्टेंट है, एल बार भी क्या है, कांस्टेंट है, एम मास, मास भी कांस्टेंट होता है, तो ये इधर आंसर में आने वाली पूरी क्वांटिटी क्या है, पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट, वही हमको प्रूव करना था, वही हमको प्रूव करना था। अमाउंट ऑफ एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम और द एरिया कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, और उसी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, एंड द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या करा, पहले हमने एंगुलर मोमेंटम का जान लिया, पहले फॉर्मूला है ना, उसके बाद में ये छोटा सा पकड़ा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज किया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, उसके बाद में एक्स बार की वैल्यू डाल दिया से, है ना, ये जो है वी बार इंटू डेल्टा टी जो है वो एक्स बार है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हो लगे तो हाफ, बेस कितना है आर बार, और हाइट कितना है एक्स बार, तो एक्स बार की वैल्यू डाल दी, वी बार डेल्टा टी, तो वी बार डेल्टा टी। तो बाद में अपन ने लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था वो यूज कर लिया, क्यू इस वी बार को रिप्लेस करने के लिए इस तरह से रिप्लेस करा, आर बार क्रॉस वी बार को लिख दिया एल बार, जो कि कॉन्स्टेंट है, एम भी तो कॉन्स्टेंट है, हाफ तो नंबर है वो कॉन्स्टेंट। इस तरह से ये सेकंड लॉ भी जो है वो सेकंड लॉ हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे, कि एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं थर्ड लॉ दोस्तों, लॉ थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, है ना। देखो क्या है, एलिप्स है, ये सन है, ये पी है, यहां से स्टार्ट हुआ प्लैनेट, ऐसा घूम के आया ऐसा, फिर इसी पॉइंट, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना बोलते हैं इसको, क्या करना, एक रिवॉल्यूशन क्या करा, पी से स्टार्ट हुआ पूरा सन के अराउंड घुमा, वापस किस पे आ गया, वो पी पे आ गया, इसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन।
ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है ना। अपना जो अर्थ है उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 365 डेज, है ना। तो सन यहाँ अपना सॉरी अर्थ यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसा सन के अराउंड घूमते घूमते वापस आएगी 365 डेज, वापस दूसरा रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए फिर से 365। तो ये टाइम पीरियड जो है ना वो कॉन्स्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। तो द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट, हमने हमारी अर्थ का एग्जांपल लिया क्योंकि अपने को पता है ना, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज, सॉरी ये लॉ जो है वो है स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट। ये 365 जो है वो है टाइम पीरियड, लेकिन उसका क्या करना वो बोलता है स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, अपन ने पढ़ा है ना सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस को डिनोट कर देते आर से, कैसा ये मेजर एक्सिस था, तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये वाला या फिर ये वाला, दोनों भी क्या है सेमी मेजर एक्सिस, तो इसको बता देते आर। तो द स्क्वायर ऑफ, इसको इतना भी ध्यान में रख लिया ना तो भी बहुत है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इन टू आर क्यूब, के कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट। ये जो रूल है वो प्योर ऑब्जर्वेशनल रूल है, ठीक है, इस रूल पे भी हमको न्यूमेरिकल आते हैं। तो दोस्तों ये थे केपलर के 3 लॉ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाइए।